लाइट लेके बस साथ में रहो। ओए देख के देख के देख के ओ ये लाइट लेके भाग गया। रुक जाओ वो करता ही करता है। दोस्तों और अभी हम लोग बिलासपुर के तिफरा क्षेत्र में हैं और जिस तरीके से धीरे धीरे हम लोग पर्यावरण को बर्बाद करते जा रहे हैं उसका भुगताना हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं जिस अभी हम लोग घर पर हैं यहाँ पर जो ये बेटी है ये जो बिटिया है जब ये वॉशरूम के लिए जा रही थी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जान कैसे बची और किस खतरनाक चीज से इसका सामना होने जा रहा था। पर हर बार की तरह वही एक गलती होती है लोगों से। दोस्तों ये वॉशरूम है और बिटिया जा रही थी वॉशरूम के लिए और देखिए कितना खतरनाक सिचुएशन था। दोस्तों आप लोगों ने सिचुएशन देख लिया है यहाँ पे मुझे वन चांस ही मिलेगा क्योंकि अगर मुझसे जरा से भी गड़बड़ हुई तो शायद सांप सीधे कमोड में चले जाएगा उसको दोबारा पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। घर वालों का डर वैसे ही वैसा ही बना रहेगा। कैसे करें दिखेगा नहीं पूरा यहाँ। इसको हटाओ इसको हटा लीजिए भैया पैर के पास खींचोगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। कोई चांस ही नहीं है। आप उधर आप करो तो सही। बाप रे भागो मत भैया बच के अपने आप को बचा के तुम्हारे पास जगह नहीं है। ऊपर रहो इधर इधर फेंको आप थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ फेंको जगह नहीं तुम्हारे पास भी तो हमला करेगा। यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड है आपको हटो ना फेंको ना अंदर जाना चाहिए। अरे नहीं हो कोई नहीं रहेगा इधर पर मैं इधर आ गया। शादी बड़ा चीज थोड़ी है भैया समाज और देश के लिए। हाँ और लाइट लेके आओ ना भैया। कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा लाइट लेके आओ बस साथ में रहो। ओए आप लोगों क्या मजाक से लगता है। और आपने जो सिचुएशन देखा वहाँ पर मेरे साथ भी बाइट होने के सबसे ज्यादा चांसेस थे क्योंकि मेरे पास कोई जगह नहीं था काम करने के लिए। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ पर भी हम लोग अपने हर वीडियो में सांप को स्पेशली आइडेंटिटी मतलब पहचान करवाते हैं कि लोग धोखा ना खाए। यहाँ पे भी लोगों को लग रहा था कि अजगर है करके। तो आप इस सांप को पहचान लीजिए कि इसका जो बॉडी रहता है इसकी बॉडी के ऊपर काले और सफेद कलर के आप देख सकते हैं कि छल्ले बने हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग अजगर और रसल वाइपर के पैटर्न को कंपेयरिंग में दिखा देंगे आप लोगों को। काले काले निशान ऊपर में है और वाइट वाइट जो सफेद सफेद धारियां बनी है ये और इसमें और साइड से देखिए काले काले धब्बे हैं। तो ये है इंडियन रॉक पाइथन जिसे अजगर कहते हैं। देखिए दोस्तों इसका जो सर है ओवल शेप में है। देखिए दोनों सांप में आप खुद देख सकते हैं जमीन आसमान का अंतर है। अब खामो खाम लोग बाग इसे अजगर समझ के हादसों का शिकार हो जाते हैं। देखिए दोनों का पैटर्न आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिलान कर लीजिए। जमीन आसमान का फर्क है पाइथन में और रसल वाइपर में। ये दोस्तों दोनों का सर को देख सकते हैं अच्छी तरह से और दोनों के शरीर के डिजाइन पैटर्न देख सकते हैं आप कि कितना फर्क है दोनों सांपों में।
मूड में ही है। अटैक करता काटने पर ये नहीं बिल्कुल वो करता ही करता है। देख मैं बोली थी ना सही करता है। देख मैं सेफ रहना। ठीक 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 तुम भाग जाना ना। मैं अभी उसके साथ निकाल ये बाहर। हां बाप रे निकल गया पकड़ा गया। खुद ही जा रहा है। अच्छा बच्चा लोग तो नंबर नहीं लेंगे। दोस्तों ये रेस्क्यू कंप्लीट हुआ। काफी खतरनाक और हेल्दी सांप है ये। अगर ये बाइट करता तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में जहर छोड़ता। तो घर वालों की समझदारी और यहाँ जितने लोग खड़े थे उन्होंने समझदारी दिखाई। बिल्कुल भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं कि सांप के साथ, ना उसके साथ छिड़खानी की, ना कुछ किया, जबकि ये लोग इस सांप को अजगर समझ रहे थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये बेटी तो बची तो बची। और सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि किसी ने, सबने यहाँ समझदारी दिखाई, तो एक के साथ और जो दूसरे हादसे हो सकते थे वो भी सेफ हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरीके से लोगों की और रेप्टाइल की मदद करते हुए। तब तक लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों ये जो भैया हैं, भैया आपका शुभ नाम? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र भैया को मैं स्पेशली थैंक्स बोलूँगा क्योंकि ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर हमारे वीडियो देखते हैं और घर वाले अजगर समझ रहे थे। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया जो आके यहाँ पे इतने जहरीले सांप को आप लोगों ने निकाला है। बहुत कठिन हाई जगह से मैंने देखा, बाथरूम में जगह भी नहीं था घुसने के लिए, उसके बाद भी आप लोगों ने कैसे करके निकाला। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा अयोध्या में, तो सबसे बड़ा श्रेय हमारे जितने कार सेवक थे, हमारे सिख भाई हैं जो हमेशा भारत में विपदा आती है तो ये आगे बढ़ के आते हैं, तो इनके स्पेशली मैं थैंक्स कहूँगा और इनको मेरा सत सत नमन। और आप सबको हमारा बहुत बहुत बधाई हो, सब पूरे सनातनियों को और पूरे देशवासियों को। थैंक यू। और कभी भी इस मंदिर को सिर्फ मंदिर के मत देखिएगा, 500 साल के इंतजार और भावना के साथ देखिएगा इसको जी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस रेस्क्यू टीम की वजह से जो है आज बहुत बड़ा हादसा हमारे घर में टल गया। राम जी की कृपा है